नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, एडेड विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती योजना है। DIOS की अनुमति के संस्कार लेकर संस्थान भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इसके लिए विद्यालय व आरक्षणवार पदों का अलग अलग विज्ञापन जारी करके आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन पत्र रजिस्टर डाक के से प्रबंध तंत्र को या प्रबंधक को भेजने की बात कही जा रही है। तो आप देख भी रहे हैं, जगह जगह से विज्ञापन आ भी रहा है। वहीं 96,607 नकलची परीक्षार्थियों की दोबारा हो सकती है परीक्षा। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा समिति को भेजा है प्रस्ताव। 772 से 118 पाए गए दोषमुक्त राष्ट्रीय टेंडर में विश्वविद्यालय। प्रोफेसर रज्जू सिंह राज्य विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए 9,607 परीक्षार्थी की दोबारा परीक्षा हो सकती है। हालांकि इन परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा दिसंबर जनवरी में हो सकती है। सामूहिक नकल में दोषी पाए गए छात्रों ने कुलपति से मिलकर जल्द परीक्षा कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इससे जो है उन्हें अवसर मिल पाएगा और वो परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक की 1.6 लाख सीटें खाली। 154 राजकीय संस्थान, 19 अनुमोदित और 1,177 निजी पॉलिटेक्निक में उत्तर प्रदेश में प्रवेश जारी है। ₹250 संस्थान में प्रत्येक पाठ्यक्रम ग्रुप का पंजीकरण शुल्क है और अभी भी तमाम सीटें। 80,000 अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके हैं। अभ्यर्थियों के दाखिले की गति धीमी होने की वजह से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रवेश 2022 में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को भी दाखिला लेने का मौका दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी अनुदानित पॉलिटेक्निक, प्राइवेट पार्टनरशिप व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दिए थे वह भी अब जो है इसमें चाहें तो अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहीं TGT से संबंधित एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। 2016 के प्रतीक्षा सूची के चयनित की दुखती का जो रास्ता है वो साफ हो गया। हाईकोर्ट ने से राहत पाए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की नियुक्ति के लिए कार्यक्रम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो इस तरह से 15 अक्टूबर तक चयन बोर्ड का जो सूचना है वो उपलब्ध कराना है श्रेणीवार, और आगे जो है उसी के बेस पे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुल मिलाकर के अब व्यवस्थित कार्यक्रम 2016 के प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए जारी हो गया है। आरक्षित वर्ग के 6800 शिक्षकों को 9 माह बाद भी नियुक्ति नहीं। शिक्षक आरक्षण गड़बड़ी के माध्यम से यह बात रखी गई थी। आरक्षण गड़बड़ी के कारण ही 6800 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी को लेकर की यह बात आई थी, किंतु अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिल सकी है, जबकि 9 महीने पूरे होने को आए। तो यह प्रक्रिया धीमी है और क्यों ऐसी है आप समझ सकते हैं। PET में शामिल होने वाले के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था, आप देख रहे हैं कि जो PET की परीक्षा 15-16 तारीख को होनी है उसका परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर भेज दिए गए हैं अभ्यर्थियों के। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थी को भी ध्यान नहीं दिया गया है, उनको भी दूर दूर तक भेजा गया है, जबकि उनको उनका जिला दिया जा सकता था, किंतु ऐसा ना किए जाने की वजह से बड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई है और जिसको लेकर के छात्रों में रोष है, किंतु इधर व्यवस्था बनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की बोर्ड से देखिए दिया है एक नया सूचना, मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्श शिक्षक। आप देखिए कि मानदेय के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्श शिक्षकों के रखे जाने की एक बार फिर से बात आ रही है, जबकि तदर्श शिक्षकों को पूर्ण रूपेण सेवा से बाहर कर दिया गया था। ऐसे शिक्षकों का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं, और इन्हें ध्यान देना चाहिए। जब तमाम युवा बेरोज़गार बैठे हुए हैं
तो रेगुलर भर्ती करें, चाहे ये तिदर शिक्षक ही उसमें शामिल हों और अन्य अभ्यर्थी भी शामिल हों, ताकि अंतिम चयन होने के बाद वह सुकून से नौकरी कर सके, बाद में उनकी नौकरी जाए ना। किंतु ऐसी व्यवस्था न करते हुए पुनः से वही बात कही जा रही है। चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप किया गया जारी। चिकित्सा अधिकारी के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है उसका प्रारूप भी जारी कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर व सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। वे सारे अभ्यर्थी जो इसमें शामिल थे वह जो है अपने अपने आंसर की से मिलान कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति होगी उस पर अब विचार कर सकते हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।